बच्चों कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। याद रहे बच्चों कि आपको एपिसोड देख लेने के बाद अपने किताब से भी दिए गए सभी सवालों को हल करना ही करना है, वो बहुत ही आवश्यक है। तो आइए बच्चों देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित का पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 9 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था शंकु का आयतन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोले का आयतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। स्क्रीन पर आपको जो आकृति दिख रही है यह आकृति है गोले की, जिसमें की वृत्ताकार आधार की त्रिज्या को हमने माना है आर। तो अभी तक आपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सूत्र 4 × π × r² से ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं गोले की त्रिज्या घन का 4/3π गुना करके, यानी कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 × π × r³। तो यहाँ से आपको गोले का आयतन का सूत्र प्राप्त हुआ है जो कि बराबर है 4/3 × π × r³, जहाँ r गोले के आधार की त्रिज्या है। तो इस सूत्र को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 π r³ के। चलिए अब हम शुरू करते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आप गोले को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो आपको अर्धगोला प्राप्त होगा, जैसा कि ये। यहाँ पर भी हमने इस अर्धगोले की वृत्ताकार आधार की त्रिज्या को r माना है। तो यहाँ से हम अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं गोले के आयतन के सूत्र का आधा करके, यानी कि 1/2 × 4/3 π r³ के। तो यहाँ से हमें अर्धगोले का आयतन प्राप्त हो रहा है 2/3 π r³। तो आपको अभी तक दो और सूत्र प्राप्त हो गए हैं। पहला है गोले का आयतन जो कि बराबर होता है 4/3 π r³ के, और अर्धगोले का आयतन जो कि बराबर होता है 2/3 π r³ के। तो चलिए अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है और हमें दी गई है उस गोले के आधार की त्रिज्या। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या जो कि बराबर है 11.2 सेंटीमीटर के। तो हम गोले का आयतन सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं जो कि बराबर होता है 4/3 π r³ के। तो चलिए अब हम इस सूत्र में पाई और आर का मान प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ इस सूत्र में पाई और आर के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/3 × 22/7 × 11.2 × 11.2 × 11.2 सेंटीमीटर घन,
जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गोले का आयतन बराबर 5887.32 सेंटीमीटर घन। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपने देखा कि किस तरह हमने गोले का आयतन के सूत्र द्वारा इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर लिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि अब इस प्रश्न में हमें दिया गया है एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करना है कि उस कटोरे में कितना पानी भरा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या जो कि बराबर है 3.5 सेंटीमीटर के और हमें ज्ञात करना है उस कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं अर्धगोलाकार का आयतन के सूत्र द्वारा। तो चलिए पहले हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन ज्ञात करते हैं जो कि बराबर होता है 2/3 पाई आर घन के। चलिए अब हम इस सूत्र में पाई और आर के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/3 × 22/7 × 3.5 × 3.5 × 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर घन। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 89.8 सेंटीमीटर घन। तो यहाँ अब हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन आ गया है जो कि बराबर है 89.8 सेंटीमीटर घन के। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था इस कटोरे के अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो अर्धगोलाकार कटोरी में भरे जाने वाले पानी का आयतन भी बराबर होगा 89.8 सेंटीमीटर घन के। तो इस तरह हमने सूत्र का प्रयोग करके एक और प्रश्न हल कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है। यानी कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का और हमें ज्ञात करना है उस गोले का आयतन। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बराबर है 154 सेंटीमीटर वर्ग और हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हम बिना त्रिज्या के नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी और गोले की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से। जब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का समीकरण करेंगे इस प्रश्न में दिए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल से तो हमें गोले की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर वर्ग के और हमें इस प्रश्न में दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग। यानी कि 4 पाई आर वर्ग बराबर है 154 सेंटीमीटर वर्ग के। यहाँ पे जब हम पाई के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 × 22/7 × r² बराबर 154 सेंटीमीटर वर्ग। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r वर्ग बराबर 154 × 7/22×4 सेंटीमीटर वर्ग। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r वर्ग बराबर 7×7/2×2 सेंटीमीटर वर्ग। जिससे कि हम गोले की त्रिज्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उसका वर्गमूल करके। यानी कि r बराबर होगा वर्गमूल 7×7/2×2 सेंटीमीटर वर्ग के, अर्थात 7/2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमारे पास गोले की त्रिज्या आ गई है जो कि बराबर है 7/2 सेंटीमीटर के। तो चलिए
अब हम ज्ञात करते हैं गोले का आयतन, क्योंकि अब हमारे पास गोले की त्रिज्या का मान है। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r³ के। जब हम यहाँ पर इस सूत्र में पाई और r के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2 सेंटीमीटर घन, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 79.66 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह हमने गोले का आयतन भी ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि किस तरह हम सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा गोले का आयतन। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा नवी का अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, डेली टेस्ट 9। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से अर्धगोले का आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए 2/3 पाई r³, बी 2 पाई r², सी 4 पाई r², डी 4/3 पाई r². प्रश्न 2, निम्नलिखित में से गोले के आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए 3/4 पाई r², बी 2 पाई r², सी 4/3 पाई r³, डी 4 पाई r². प्रश्न 3, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन क्या होगा? ए 12.20 सेंटीमीटर क्यूब, बी 27.09 सेंटीमीटर क्यूब, सी 50.08 सेंटीमीटर क्यूब, डी 38.80 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 4, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? ए 12,005 सेंटीमीटर क्यूब, बी 27,005 सेंटीमीटर क्यूब, सी 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, डी 6,106 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर प्रश्न 1 का ए, प्रश्न 2 का सी, प्रश्न 3 का डी, प्रश्न 4 का सी, प्रश्न 5 का बी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपके अर्थशास्त्र के पाठ 5 कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा के भाग 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे बिहार में कौन कौन सी फसलें मुख्य तौर पर उगाई जाती हैं। उसके बाद हम जानेंगे भारत में खाद्यान्न के स्रोतों के बारे में, यानी कि सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, यानी कि क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं खाद्यान्न के प्रकारों के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स। दोस्तों, देश के अन्य भागों की तरह ही बिहार में भी 2 प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन होता है। पहला प्रकार है खाद्यान्न फसलें और दूसरा प्रकार है व्यवसायिक फसलें। दोस्तों, खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती है जिनका खाद्य पदार्थों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, जवार, बाजरा,
दालें इत्यादि। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक फसलें वे फसलें होती हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से उपभोग नहीं किया जाता। दोस्तों इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में होता है, जैसे कि गन्ने से चीनी, जूट से बोरा, रस्सी आदि बनाई जाती है। दोस्तों फल, सब्जियां, मसाले आदि हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्हें खाद्यान्न फसलों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये अनाज की श्रेणी में नहीं आते। दोस्तों हमारे भोजन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित अनाज तथा अन्न को ही हम खाद्यान्न फसलों की संज्ञा देते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। दोस्तों धान बिहार का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसे वर्षा ऋतु के आरंभ पर बोया जाता है और शीत ऋतु में धान की कटाई होती है। दोस्तों बिहार राज्य के सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, लेकिन इसके लिए बिहार के मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। दोस्तों नई एवं उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से हाल ही के वर्षों में धान के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों अब धान के बारे में कुछ आंकड़ों को जान लेते हैं। दोस्तों धान का उत्पादन क्षेत्र 2010 और 11 में 28.45 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2011 और 12 में 33.24 लाख हेक्टेयर हो गया। चलिए दोस्तों अब धान के उत्पादन से संबंधित कुछ आंकड़ों को जान लेते हैं। दोस्तों 2010 और 11 में 31.63 लाख मेट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था, जो कि 2011 और 12 में बढ़कर 83.21 लाख मेट्रिक टन हो गया था। चलिए दोस्तों अब बिहार की दूसरी प्रमुख फसल के बारे में जानते हैं, जो है गेहूं। इसका उत्पादन रबी फसलों के अंतर्गत होता है। दोस्तों रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की उपज में कमी हुई थी, लेकिन नई तकनीकों के उपभोग के फलस्वरूप अब गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों धान और गेहूं के बाद मक्का या मकई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मक्का या मकई भी एक बिहार की प्रमुख फसल है। दोस्तों राज्य के गरीब लोगों के लिए इस फसल का विशेष महत्व है। दोस्तों राज्य का दियारा क्षेत्र तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन बेगूसराय में होता है। दोस्तों खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर आदि इसके अन्य प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। दोस्तों विगत वर्षों में मक्का का उत्पादन संतोषजनक रहा। चलिए दोस्तों अब मक्का के बारे में कुछ आंकड़ों को जान लेते हैं। दोस्तों मक्का का उत्पादन 2010 और 11 में 21.42 लाख मेट्रिक टन था, जो कि 2011 और 12 में 25.26 लाख टन मैट्रिक हो गया था। चलिए दोस्तों अब कुछ अन्य फसलों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारे देश में जौ, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्नों की गणना मोटे अनाज में की जाती है। दोस्तों मोटे अनाजों का प्रयोग निर्धनों के लिए खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जाता है।
दोस्तों, बिहार में मोटे अनाजों की खेती मुख्यतः मधुबनी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बक्सर, रोहतास आदि जिले में की जाती है। चलिए दोस्तों, अब मोटे अनाजों के बारे में कुछ आंकड़े जान लेते हैं। दोस्तों, 2011 और 12 में बिहार राज्य में 0.41 लाख मैट्रिक टन मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बिहार में दाल की फसलों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बिहार में अनेक प्रकार की दालों का उत्पादन किया जाता है। दाल की फसलों को दलहन कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाकाहारी भोजन में दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, अतः पौष्टिक खाने के रूप में इनका बहुत महत्व होता है। दोस्तों, बिहार में दालों का उत्पादन सभी भाग में किया जाता है। दोस्तों, बिहार में दालों के उत्पादन की एक प्रमुख विशेषता इनकी प्रति हेक्टेयर अधिक उपज या उत्पादकता है। चलिए दोस्तों, अब दालों के बारे में कुछ आंकड़े जानते हैं। दोस्तों, 2011 और 12 में बिहार में दालों की प्रति हेक्टेयर उपज लगभग 10 क्विंटल थी। 2011 और 12 में दालों का उत्पादन 5.28 लाख मैट्रिक टन था। चलिए दोस्तों, अब भारत में खाद्यान्न के स्रोतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए खाद्यान्न का मुख्य स्रोत उसका आंतरिक उत्पादन होता है। दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत को कई वर्षों तक विदेशों से बड़े पैमाने पर अनाज का आयात करना पड़ा था, क्योंकि भारत का आंतरिक खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम था। लेकिन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयासों से अब भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। दोस्तों, भारत में 1966 से 1967 की अवधि में भारत में कृषि विकास की एक नई रणनीति अपनाई गई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हरित क्रांति को इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, हरित क्रांति देश के कुछ थोड़े से भागों में ही सीमित रही। इस क्रांति के आगमन से पंजाब और हरियाणा की कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ, लेकिन बिहार की कृषि की प्रगति बहुत ही धीमी हुई। दोस्तों, हरित क्रांति के आने से विगत वर्षों में खाद्यान्न की उपज देश में बढ़ी। मुख्यतः गेहूं और धान की उपज हरित क्रांति के आने से बढ़ी। दोस्तों, बिहार में कृषि की प्रगति बहुत ही धीमी रही। यह राज्य अधिक उपज देने वाली कृषि की नवीन पद्धति से बहुत कम प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप बिहार खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। भारत में 2011 और 12 में आई नई तकनीक के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। दोस्तों, हमारे राज्य में खाद्यान्न की आपूर्ति का दूसरा प्रमुख स्रोत है सरकार द्वारा अपने सुरक्षित भंडार, यानी कि बफर स्टॉक। चलिए दोस्तों, अब खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य को मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में एवं पौष्टिक आहार नहीं मिलने से मानव संसाधनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों, खाद्यान्न की गुणवत्ता का कार्यशील जनसंख्या की कार्य क्षमता और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भारत वर्ष के अनेक नागरिकों को संतुलित भोजन नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार बिहार में भी लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसके कारण यह है कि बिहार में निर्धन व्यक्तियों की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। दोस्तों, इसके अलावा शाकाहारी लोगों में पौष्टिक तत्वों की और भी ज्यादा कमी देखने को मिलती है, क्योंकि
शाकाहारी भोजन में पौष्टिक तत्व अथवा प्रोटीन मुख्यतः दालों से ही मिल पाता है। दोस्तों, निम्न आय और क्रय शक्ति के अभाव में ग्रामीण परिवारों में लोग बहुत ही कम दालों का सेवन करते हैं। दोस्तों, संतुलित आहार तथा पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण बिहार में बहुत से लोग कुपोषण का शिकार हैं, जिसमें मुख्यतः बच्चे, गर्भवती महिलाएं आती हैं और बहुत से लोग एनीमिया का शिकार है। दोस्तों, एनीमिया एक ऐसी अवस्था को कहते हैं जिसमें खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, बिहार में बहुत से परिवारों को पर्याप्त एवं संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण बिहार में खाद्य असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हमने आज इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में जाना। उसके बाद हमने भारत में खाद्यान्न के स्रोतों के बारे में जाना। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हमने खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में चर्चा की। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम खाद्य सुरक्षा का अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में और अगली वीडियो में हम भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो के अंत में हम खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार के बारे में जानेंगे। Science, technology और innovation, बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने innovation से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं, जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं।
जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है, फिर 1,00,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1,000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यवसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने वाले हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, जहां पर हम जानने वाले हैं डॉबेनहाइनर के ट्रिक के बारे में और साथ ही हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो अध्याय है इसमें लगभग कहानियाँ ही हैं, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने ट्रिक की खोज करी और उनके बारे में चीज़ों को बताया। तो चलिए जानते हैं कि डॉबेनहाइनर ने जो हमें ट्रिक दिया था वो क्या था। दरअसल लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डॉबेनहाइनर ने क्या किया था कि उन्होंने जितने भी तत्व हैं उनको 3-3 के समूहों में बांटकर एक ग्रुप बनाया था, और ये जो ग्रुप बनाया था उन्होंने इसमें 3-3 एटम थे यानी कि परमाणु थे, इस वजह से उन्होंने कहा इसे ट्रिक। और ये जो ट्रिक थे ये थे लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप था, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम और बेरियम का दूसरा ग्रुप था, और क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन का तीसरा ग्रुप था। अब इस वीडियो में हमें ये जानना है कि इन्होंने हमें ये तो बताया था कि यहाँ पर इन तीनों के ही जो गुण हैं वो समान होंगे, और साथ में उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो इनका परमाणु द्रव्यमान होगा तो पहले और तीसरे एटम का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे के बराबर होगा। परंतु यहाँ पर हमें इस बारे में बात नहीं करनी, ये हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हमें ये जानना है कि इन्होंने जो इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन दी उसमें परेशानी क्या थी। दरअसल इसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर इस वर्गीकरण में क्या गलत था जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल जब डॉबेनहाइनर ने ट्रिक बनाने शुरू किए थे उस समय लगभग 30 तत्व खोजे जा चुके थे, और डॉबेनहाइनर ने ट्रिक
केवल 9 तत्वों का बनाया, क्योंकि उन्होंने 3 ग्रुप ढूंढे थे और तीनों के अंदर ही 3 तत्व थे। तो इससे क्या हुआ कि जो 30 तत्व हैं उनमें से सिर्फ 9 को ही ग्रुप में बांटा जा सका। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करी, ये जो उन्होंने इन सबको ग्रुप में बांटा है, वो अच्छे से नहीं बांटा, क्योंकि बाकी जो एटम थे वो तो ग्रुप में आ ही नहीं पाए। साइंटिस्ट का क्या कहना था कि ये जो 30 तत्व में से आपने 9 की क्लासिफिकेशन करी है ये आधी है, और इस वजह से ये कहकर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, उन्होंने 30 में से 9 को क्लासीफाई तो कर ही दिया था, तो उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे 30 एटम रखे हुए हैं जिसको डॉबेरायन को क्लासीफाई करना था, तो उन्होंने इसमें से क्या किया, कुछ तत्व निकाले और उनको क्लासीफाई कर दिया। अभी थोड़ी देर के लिए इनकी बात नहीं करते, बात करते हैं उनकी जिन्होंने क्लासीफाई नहीं किया है। अब हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था कि हम ग्रुप में विभाजित कर दें, जिससे कि क्या होगा, हमें एटम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो बचे हुए एटम हैं उसके बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब बाकी के जो एटम बच गए हैं, जो 24 एटम वहाँ पर रखे हुए हैं और आगे जो खोजे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिली, मतलब उन सब के बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जितने उन्होंने क्लासिफाई करे उससे बहुत ज़्यादा तो क्लासिफाई हो ही नहीं पाए, तो फ़ायदा ही क्या हुआ इस क्लासिफिकेशन का। अब पुराने वाले की बात छोड़ दीजिए, जो उन्होंने क्लासिफाई किया था उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा तो किया नहीं कि इन सबको एक ग्रुप में डाला हो, उन्होंने ऐसे 3 ग्रुप बनाए थे। 3 में से जो ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, उन दोनों का ही तीसरे ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है, और इसी तरीके से इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपको इन तीनों एटम को याद रखना पड़ेगा इनके गुण को जानने के लिए, और ऐसे ही तीनों ग्रुप के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ग्रुप आपस में कोई लिंक नहीं रखते। तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। यही इसका इशू था कि उन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप ढूंढे और तीनों ग्रुप के अलावा उन्होंने और कोई ग्रुप नहीं बना पाए, और जो 3 ग्रुप ढूंढे उनमें भी आपस में कोई रिलेशन नहीं था, और इस वजह से इसे रिजेक्ट किया गया। अब इनका जो ये काम था ये पूरा वेस्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। अब ये डॉबेरायनर की बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिद्धांत तो न्यूलैंड ने दिया, तो यहाँ पर डॉबेरायनर का क्या काम? दरअसल डॉबेरायनर से पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोचा कि हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, परंतु जैसे ही डॉबेरायनर ने क्लासिफाई किया वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, और डॉबेरायनर का काम खराब होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की उसे ठीक करने के लिए, और फाइनली उन्होंने इसे ठीक किया और हमें आज की आवर्त सारणी मिली। तो देखा जाए अगर डॉबेरायनर उस समय वो गलत क्लासिफिकेशन, आधी अधूरी क्लासिफिकेशन नहीं देते, तो आज कोई क्लासिफाई नहीं कर रहा होता। जो फर्स्ट स्टेप था वो डॉबेरायनर ने लिया, इस वजह से न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत देना कहीं ना कहीं डॉबेरायनर की सक्सेस मानी जा सकती है। तो चलिए डॉबेरायनर की कहानी को पीछे छोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से। दरअसल यहाँ पर न्यूलैंड की बात करें तो इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड, और ये एक ब्रिटिश केमिस्ट हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको पढ़नी है वो तो यही है कि इनके नाम को अष्टक सिद्धांत क्यों कहते हैं। दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो न्यूलैंड्स हैं इन्होंने अपने ये जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम म्यूजिक से लिया। अब आप सोचेंगे ये किस तरीके से, तो आप जानते होंगे कि ये जो सुर होते हैं गाने में वो लगभग 8 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये गाने के सुर दरअसल न्यूलैंड के जो सारणी उन्होंने दी उससे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ए से लेकर ए तक आप नोट्स को काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 8 कीज हैं, और ए से लेकर दूसरे ए तक ये जो 8 की हैं उसमें हर 8वां की रिपीट हो रहा है। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, ये 7 नोट हैं, और उसके बाद ए वापस से आ जाता है। इसी तरीके से बी के बाद भी 7 नोट हैं और बी वापस से आ जाता है। मतलब क्या है कि हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है, जैसे कि जो सुर होते हैं हर 7वें सुर के बाद वापस से सा आता है, उसी तरीके से यहाँ पर हर 8वां जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। दरअसल न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर क्या था कि हर 8वां एलिमेंट जो था उसके गुण पहले एलिमेंट से समान थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने जो सारणी दी थी उसका नाम
अष्टक सिद्धांत रखा था। अब ये अष्टक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। दरअसल इस वीडियो में हमने बात करी है डॉबी रैनर के ट्रिक की, जहाँ पर हमने ये जाना कि डॉबी रैनर के ट्रिक में गलतियाँ क्या थी। और उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो 30 एलिमेंट वहाँ पर थे, लगभग 30 एलिमेंट उस समय खोजे जा चुके थे, वो उन सबको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, उनमें से सिर्फ कुछ ही ट्रिक वो ढूंढ पाए थे। और इसी वजह से उसके बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, जहाँ पर उन्होंने उस समय जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे उन सबको क्लासीफाई करके दिखाया था। परंतु यहाँ पर भी एक दिक्कत है। दरअसल न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये काफ़ी अच्छा था, परंतु उतना अच्छा नहीं था क्योंकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब न्यूलैंड के साथ क्या दिक्कत आ गई, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। आखिर उनकी सारणी क्या थी, उन्होंने उसे किस तरीके से बनाया था और उसमें इश्यूज़ क्या थे, इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 2। पहला प्रश्न, डॉबी रैनर के ट्रिक समूह किस गुण पर आधारित थे? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु भार एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, डॉबी रैनर ने बी ए, सी ए और एस आर को किस क्रम में लिखा था? ऑप्शन ए कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी बेरियम, स्ट्रॉन्टियम एंड कैल्शियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्टियम। तीसरा प्रश्न, उस समूह की पहचान करें जो डॉबी रैनर ट्रायड नहीं है। ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑप्शन डी आयरन, कोबाल्ट एंड सल्फर। चौथा प्रश्न, अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए हर आठवें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे, ऑप्शन बी हर आठवां तत्व ठीक पहले जैसा होगा, ऑप्शन सी हर सातवें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे एंड ऑप्शन डी हर नौवें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे। पांचवा प्रश्न, अष्टक सिद्धांत किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए मेंडेलीव, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मोस्ले एंड ऑप्शन डी डॉबी रैनर। सही उत्तर पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का ए एंड पांचवें का बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में भी चर्चा की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वे किसी भी आंदोलन को दबा सकते थे या कहें कि अपने हिसाब से कुचल सकते थे। इसके विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। दोस्तों, भारत में विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को दो स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के भी सदस्य थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हो गए।
जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, गांधी जी ने भी कैफर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। आइए अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को भी अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। अब क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखने लगे थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में ब्रिटिश नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहली मांग थी तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा होता है उसको पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाएं, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला था लोगों को उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार के साथ साथ चुनावों तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक जगह पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों की जान ले ली। फलतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुसलमान एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद, आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है,
गदर पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। रॉयट एक्ट में क्या क्या बातें थी? बिना मुकदमा दर्ज किए भारतीयों को जेल, अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने का अधिकार, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 13 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल हॉकिंस, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन के कौन से मुख्य कारण थे? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा, तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।